बिजनौर के कोटद्वार रोड पर बनी सहकारी चीनी मिल का सैंपल फेल पाया गया। जानकारी के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने चीनी मिल का एक सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा था, लेकिन रिपोर्ट में सैंपल फेल पाया गया। वहीं इस मामले को लेकर डीएम ने कहा कि एडीएम के यहां पर एक परिवार वाद दायर कर दिया गया है। इसमें जांच की गई थी और जांच में जो सैंपल आया है तो वो मानक के अनुसार नहीं पाया गया, जो मानक पाया गया है उस संबंध में एडीएम प्रशासन के यहाँ परिवाद दाखिल कर दिया गया है। उस परिवाद का निस्तारण एडीएम प्रशासन जो है नियमानुसार करेंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा जो है चीनी मिल के जो जनरल मैनेजर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो भविष्य में गुणवत्ता ख्याल रखें और कहीं भी गुणवत्ता के साथ समझौता ना करें। जब सरकारी चीनी मिल का ही सैंपल फेल हो गया तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो फिर ये जो सैंपल फेल हुआ है तो कोई ऐसा नहीं कि जानबूझ करके उन्होंने फेल किया है, कभी कभी हो जाता है, तो इसमें सरकारी और प्राइवेट में भेद नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस चीनी मिल का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, जिसके बाद दक्षता पुरस्कार भी मिल चुका है। बिजनौर से हाशिम अहमद, पंजाब केसरी टीवी।